असलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज हम बनाने लगे बहुत ही मज़े का शरबत तैयार करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, फैमिली में। तो चलते हैं, ये मज़ेदार सा शरबत जो है इसे तैयार करते हैं। तो मज़ेदार सा शरबत जो हम तैयार करते हैं, चल वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ठीक है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बुखारे का शरबत। माशाल्लाह से इतना प्यारा कलर आ रहा है और वीडियो के इतना अच्छा कलर नहीं आ रहा, और माशाल्लाह से ब्लैक ब्लैक कलर इनका जो होता है वो ही अच्छा सा कलर आ रहा है, ये देखें माशाल्लाह से। तो अब हमें जो इसका शरबत तैयार करेंगे, आधा किलो हमने आलू बुखारा लिया है, ठीक है। और शरबत गर्मियों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मज़ेदार सा शरबत तैयार करते हैं। तो पानी ऐड कर दूंगी मैं, एक गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया और आलू बुखारे को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, हम ऐड कर देंगे। तो आलू बुखारा जितना था मैंने ऐड कर दिया, अब अच्छे तरीके से इसे बॉईल आ जाए तो फिर हम अच्छे तरीके से पकाएंगे और इसका जो छिलका है उतार देंगे, उसके बाद जो चीनी ऐड करेंगे। तो हाँ जी, आलू बुखारे को बॉईल आना शुरू हो चुका है। एक कप जो भर के मैंने ये चीनी का लिया, ये हम ऐड कर देंगे। तो सारी हमने जो चीनी है वो ऐड कर दी है। तो बर्तन हमने थोड़ा चेंज कर लिया है, चीनी डालने से ये काफ़ी भर चुका था, तो इस वजह से अब अच्छे तरीके से हम शरबत को तैयार करेंगे। तो हाँ जी, ये देखें माशाल्लाह से ये पकना शुरू हो चुका है और इसका कलर भी देखें। अगर चाहे तो आप कलर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने कलर नहीं ऐड किया। तो हाँ जी, ये शरबत हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे नीचे उतार लेंगे और इसे ठंडा करते हैं। ठंडा करके हम फिर इसे ग्राइंड कर लेंगे। चूल्हे को नीचे से ऑफ करेंगे अब। तो हाँ जी, ये ठंडा हो चुका है। तो अच्छे तरीके से हम जो इसकी गुठलियाँ वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसे मैश कर लेंगे अब। तो हाँ जी, सारी गुठलियाँ जो थी और छिलके थे हमने निकाल लिए। तो अब हम ऐड करेंगे, चक के अंदर इसे ऐड कर देंगे। तो हाँ जी, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो हाँ जी, हमने इसे ग्राइंड कर लिया। तो बाकी हम जो रख देंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम शरबत ऐड करते हैं। तो अब हम थोड़ी सी बर्फ़ ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हम ठंडा पानी ऐड करेंगे। तो हाँ जी, काला नमक है वो ऐड कर देंगे हम। तो अगर आपके पास वाइट नमक है तो वो ऐड कर दें, वैसे काले नमक से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, फैमिली में शेयर करें। इसके साथ ही ज़्यादा चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। तो मुझे याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।